और अनस्टॉपेबल हारे स्टिल लाइट टू वॉच, एक और छक्का। दोस्तों अगर आप लोग भी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान का फ्यूचर मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हाल ही में पाकिस्तान टीम में डेब्यू करने वाले मोहम्मद हारिस ने, जैसा कि आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप में अपनी तबाहकुन बैटिंग की वजह से यकीन क्रिकेट के दिल जीत लिए थे। आज एक बार फिर मोहम्मद हारिस ने तबाहकुन बैटिंग की और इस बार पाकिस्तान कप में मोहम्मद हारिस दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान कप में नॉर्दर्न के खिलाफ मोहम्मद हारिस ने छक्कों का तूफान ला दिया। मोहम्मद हारिस की बैटिंग की मुकम्मल हाईलाइट आपको दिखाते हैं, उससे पहले आप लोग क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों पाकिस्तान टीम के उभरते हुए नौजवान स्टार खिलाड़ी मोहम्मद हारिस ने आज नादरन के खिलाफ शानदार बैटिंग की और सिर्फ 17 गेंदों पर 50 मुकम्मल की। मोहम्मद हारिस की इस इनिंग में 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। मोहम्मद हारिस ने 244 के स्ट्राइक रेट से 61 रन बनाए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ने का सोच रहे हैं तो एक मिनट रुक जाएं। पाकिस्तान डोमेस्टिक में एक खिलाड़ी है जिसका नाम है कमरान गुलाम, शायद ही आप इसका नाम जानते हो। कमरान गुलाम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में वो खिलाड़ी है जो कैद आजम ट्रॉफी हो, T20 कप हो या फिर पाकिस्तान कप, वो सभी पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग में टॉप स्कोरर टॉप परफॉर्मर होता है जो कि लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा है। आज फिर कमरान गुलाम ने सेंचुरी स्कोर की। इस सीजन की इस बार कमरान गुलाम की दूसरी सेंचुरी है, इससे पहले वो 2 बार 90 से ज्यादा स्कोर भी बना चुके हैं। कमरान गुलाम की यही परफॉर्मेंस पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी कमरान गुलाम को इग्नोर किया जा रहा है। कमरान गुलाम एक मिड ऑर्डर खिलाड़ी है, इस बार पाकिस्तान टीम को एक अच्छे मिड ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है। कमरान गुलाम को मौका देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल गुलाम से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।